हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कैनी आप सभी का मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो है 20 इंच का, मेरे पास सोनी का टीवी आया है जिसमें 8 बार ब्लिंक होता है। टीवी स्टार्ट होता है, ग्रीन लाइट होती है, ग्रीन लाइट होने के बाद 8 ब्लिंक में चले जाता है। इसमें ना तो पिक्चर आती है, ना ही आवाज, ना ही बैकलाइट जलती है, पावर सप्लाई के वोल्टेज भी आके चले जाते हैं। सबसे पहले हम इसमें स्टैंडबाय 3.3 वोल्ट देखेंगे। पावर ऑन करने पर 3.3 वोल्ट हमें यहाँ दिखना चाहिए। चेक कर लेते हैं क्या 3.3 बन रहे हैं। 3.3 बन रहे हैं और जब बंद हो जाता है उसके बाद भी 3.3 वोल्ट बनते रहते हैं, ठीक है, मतलब ये वोल्टेज चालू रहते हैं। अब हमें चेक करना है पावर ऑन वोल्टेज का क्या हाल है। टीवी को फिर से मैंने बंद कर दिया है, हमें कुछ समय मिलेगा चेक करने के लिए पावर ऑन वोल्टेज जो मदरबोर्ड से आता है वो क्या आ रहा है या नहीं। पावर ऑन वोल्टेज हम यहाँ पे देख पाएंगे, मदरबोर्ड से पावर सप्लाई में आता है जो कि प्रोसेसर ऑन कमांड देता है चालू करने का कम। तो हम देखते हैं पावर ऑन कमांड्स, तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट भी पावर ऑन वोल्टेज आ रहे हैं। क्या ये स्थिर रहते हैं कि चले जाते हैं, तो ये बंद हो जाते हैं। अब हम चेक करेंगे 12 वोल्ट पावर ऑन होने के बाद हमें दिखना चाहिए। पावर ऑन करेंगे दोबारा से, हर बार मैं ये पावर बंद करके स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज 8 टाइम ब्लिंक में जाने के बाद वापस आपको वोल्टेज दिखने नहीं मिलेगा, प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज आपको कुछ सेकंड्स में ही देखने मिलेगी। दोबारा आपको मीटर पे नजर रखनी चाहिए। मैं चेक कर रहा हूँ रेगुलेटेड 12 वोल्ट जो कि पावर सप्लाई से आउट होके मदरबोर्ड में जाता है। ऑन कर रहा हूँ, 10 वोल्ट के करीब आते हैं, 9 और 10 के बीच में ये फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ये वोल्टेज 12 वोल्ट नहीं है जबकि होने चाहिए थे 12 वोल्ट, ठीक है। तो पावर सप्लाई से ये वोल्टेज नहीं बन रहा है। अब हम 24 वोल्ट चेक कर लेते हैं, चालू करने के बाद ये 21 वोल्ट 20 और 21 वोल्ट के बीच में रहता है जबकि होना चाहिए था इसे 24 वोल्ट और आके बंद हो जाते हैं। आके बंद इसलिए होते हैं बिकॉज पावर ऑन वोल्टेज जो हमने सबसे पहले दिखाया था आपको, ये भी आके बंद हो जाते हैं जो कि मदरबोर्ड से पावर सप्लाई में पावर ऑन कमांड जो है वो प्रोसेसर भेजता है जो कि प्रोसेसर ने कुछ प्रॉब्लम देखी और इसे बंद करने का कमांड दिया यहाँ पर, और ये जो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट भी बंद हो जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि मेन फिल्टर में फुल चार्ज रहता है, तो सबसे पहला काम आपको मेन फिल्टर को डिस्चार्ज करने का, तो डिस्चार्ज कर लेंगे। यहाँ ऑलरेडी डिस्चार्ज हमने कर दिया है। सो अभी हम चेक करेंगे, पहले तो ऐसे ही चेक करेंगे कि 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की क्या हालत है, फिर हम पावर ऑन कमांड देके बाद में चेक करेंगे। सो पावर ऑन सिग्नल आता है जो कि मदरबोर्ड से आता है प्रोसेसर के थ्रू, वो हम दे पाए ताकि पावर सप्लाई के जो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट यहां से हम बाहर निकाल पाए, मीटर पे देख पाए, ठीक है। तो यहां पे पावर ऑन और 3.3 फर्स्ट 13 नंबर पावर ऑन है और 11 नंबर 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई है, ठीक है। तो हमें ये दोनों पॉइंट को सॉर्ट करना होगा, 13 नंबर की पिन और 11 नंबर की पिन को मैंने सॉर्ट कर दिया है। अब हम चेक कर लेते हैं क्या पावर सप्लाई के आउटपुट यहाँ पर बनते हैं विदाउट लोड बनते हैं, या हमने पहले मदरबोर्ड के साथ तो देख लिया था, अब हम विदाउट लोड मतलब कोई भी लोड के बिना 12 वोल्ट बनते हैं कि नहीं वो देख रहे हैं, और 24 वोल्ट, ठीक है। सो सबसे पहले हम 12 वोल्ट देख लेते हैं, 12 वोल्ट की प्रेजेंस क्या बता रही है, मीटर क्या बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 11.7 वोल्ट के करीब बनते हैं, ठीक है, लोड के साथ ये करीबन 9-10 वोल्ट बन जाते हैं, आपने देखा था ये, ठीक है, 11.75 वोल्ट बनते हैं। अब 24 वोल्ट की क्या हालत है, 22.8 वोल्ट बन रहे हैं। अगर जो हम यहाँ पे लोड कनेक्ट कर देंगे तो वो वोल्टेज पूरी तरह से बैठ जाएंगे बिकॉज हमने ऑलरेडी मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करके देख लिया था इसे। अब हम चेक करेंगे कि आखिर दिक्कत कहाँ पर है। नॉर्मली पेटेंट फॉल्ट मैं बताने वाला हूँ आपको, पेटेंट फॉल्ट ऑफ दिस मॉडल मतलब इस मॉडल में आने वाला 8 टाइम ब्लिंक जो 8 बार ब्लिंक होता है उसके लिए सबसे जबरदस्त जो फॉल्ट एरिया होता है, फॉल्टी एरिया, वो कहाँ पर होता है। देखो ये 3.3 वोल्ट की लाइन है, इसकी फीडबैक के लिए यहाँ पर प्रीसेट दिया हुआ है, ठीक है, ये प्रीसेट के थ्रू यहाँ पर फीडबैक जाता है और फीडबैक जाने के बाद ही यहाँ पर जो डायोड है उससे डीसी सप्लाई जनरेट होती है जो कि फिक्स डीसी 15 से 18 वोल्ट के करीब, वो 18 वोल्ट बन जाते हैं, उसके बाद ही वो 18 वोल्ट से दूसरे डायोड के थ्रू यहाँ पर जो लगी हुई है दूसरी आईसी 6104 जिसका नंबर है CHD 9841 उसकी यहाँ पर
अगर जो ये वोल्टेज यहाँ से ही कमजोर होंगे तो ये वोल्टेज यहाँ पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे और यहाँ कमजोर हो जाएंगे तो ये जो आउटपुट एसएमपीएस है जो कि 20 वोल्ट और 24 वोल्ट और 12 वोल्ट बनाता है वो भी कमजोर निकलेंगे और वो कमजोर निकलेंगे तो हम जैसे ही लोड कनेक्ट करेंगे सभी वोल्टेज बैठ जाएंगे। तो यही हो रहा है अभी हमारा। तो सबसे पहला हमें काम करना है ये प्रीसेट चेक करना है, ठीक है। चेक कैसे करेंगे प्रीसेट? सो यहाँ पे पहला काम मुझे देखना है कि मेन फिल्टर क्या पूरी तरह डिस्चार्ज है या नहीं है, ठीक है। कोई भी काम आप पावर सप्लाई में करते हैं तो मेन फिल्टर को डिस्चार्ज कर लेना है पूरी तरह से, ठीक है। अगर जो आपने डिस्चार्ज नहीं किया तो मैं कहूंगा कि आपने ये आदत पहले बनानी है, ठीक है। सो हम अभी क्या चेक कर रहे हैं? प्रीसेट चेक कर रहे हैं जो कि यहाँ पर है। देखो प्रीसेट यहाँ पर है, इसकी दो पॉइंट्स जो है सेंटर वाली और लास्ट पिन, ये दोनों शॉर्ट है और जो फर्स्ट पिन है वो जा रही है एक ट्रांजिस्टर की बेस पर, ठीक है। तो हम चेक करेंगे ये रेजिस्टेंस कितनी बता रहा है, ठीक है। तो हम इसे ओम्स की रेंज में रख देंगे मीटर को और चेक करेंगे इस पे क्या बता रहा है, ठीक है। यहां पर बता रहा है 5.8 के 5.6 के, मतलब ये रुक भी नहीं रहा है, मतलब कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये प्रीसेट है या नहीं देखने के लिए हम सबसे पहले इसकी वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। वैल्यू जो लिखी होती है यहाँ पर लिखा हुआ है 201। देखो 20 मतलब 20 हमने काउंट कर लिया और 1 मतलब एक और जीरो मिलाना है, तो यहाँ 200 ओम्स का यहाँ पर प्रीसेट है जिसकी 2 लाख शॉर्ट होती है और लास्ट पिन जाती है कंट्रोल के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये रेजिस्टेंस 200 ओम्स से तो बहुत ज्यादा बता रहा था, 5K के करीब। सो हम इसे निकाल कर चेक करेंगे क्या इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या बता रहा है। अभी तो फिलहाल हमें 200 ओम्स के बराबर तो रीडिंग नहीं मिली, तो प्रीसेट को हम बाहर निकालेंगे। तो ये प्रीसेट को तो हमने निकाल लिया। अब हम इसकी वैल्यू चेक करने के लिए क्या चेक करेंगे? इसकी जो फर्स्ट पिन और लास्ट पिन हम चेक करेंगे, सेंटर पिन नहीं। अगर जो फर्स्ट पिन और लास्ट पिन के जो ओम्स है वो 200 ओम्स बताता है तो सही है, अगर जो 200 ओम्स नहीं बताता है तो गड़बड़ है। तो इसकी हम फर्स्ट पिन और लास्ट पिन को चेक करेंगे। तो यहाँ पे कहीं से भी मैं हार्ड टच करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेगा ओम्स में जो इसकी रीडिंग अपने आप ही बताएगा। तो हम चाहते हैं ऐसी कोई रीडिंग हमें देखने मिले 1.1 मेगा ओम्स के करीब बता रहा है, जो कि मेरे हाथ की रेजिस्टेंस की रीडिंग है। सो यहाँ टच के बिना हम देखेंगे, एक पिन को तो मैंने टच कर रखा है लेकिन दूसरे पिन हम टच नहीं करेंगे, तो यहाँ पे कोई रीडिंग दिखाएगा नहीं सिवाय के यहाँ पे इसकी। तो ये जो रीडिंग बता रहा है ना 0.6 मेगा ओम्स, ये है एक्चुअली प्रीसेट की वैल्यू जो कि होनी चाहिए थी 200 ओम्स के बराबर, लेकिन बता रहा है 0.6 मेगा ओम्स। सो हम एक रजिस्टर ले लेंगे जो कि 100 मेगा ओम्स का हो, बिकॉज इसे सेंटर अगर जो रखना है तो इसको 200 ओम्स को आपको 100 ओम्स करना पड़ेगा तो सेंटर हो जाता है। तो हम इसे सेंटर करने के लिए 100 ओम्स का रजिस्टर ले लेंगे जो कि यहाँ पे मैंने तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है। मेरे पास 100 ओम्स का नहीं था तो मैंने 47 ओम्स और 47 ओम्स दोनों सीरीज में रख के लगभग 94 ओम्स हो गया है। चेक करेंगे कि इसकी रीडिंग क्या बता रहा है। देखो ये 93.2 ओम्स बता रहा है। सो मेरी यहाँ पर ये जो वैल्यू है सेंटर करने की वो कामयाब हो रही है इस रजिस्टर से। मैं कहूंगा कि आपके पास 100 ओम्स ना हो तो आप खरीद के 100 ओम्स ही डालें, या तो मुझे चेक करके आपको दिखाना था, इसलिए मैं इस यहाँ पर 93 ओम्स का रजिस्टेंस लगा रहा हूँ जो कि 47 ओम्स दो मैंने सीरीज में लगाए हुए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रजिस्टेंस हमने लगा दिया, जहाँ पे प्रीसेट था उसकी फर्स्ट एंड लास्ट पिन पे हमने होल्डर कर दिया। सो जो सेंटर है वो ऑलरेडी शॉर्ट है लास्ट पिन के साथ, तो हमें उसे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरा हाथ फ्री करने के लिए मैंने इस पिन को मुड़ा दिया और इसे सोल्डर कर देंगे और फिर हम रेजिस्टेंस चेक भी करेंगे क्या होता है। पूरे एरिया को क्लीन करेंगे पहले जो हमने काम किया, और सफाई पे बहुत ध्यान होना चाहिए आपका, बिकॉज सफाई से ही आपको गलतियां दिखती है। अगर आपने गंदा बोर्ड रखा हुआ है तो आपको गलतियां नजर नहीं आएगी, कोई शॉर्ट पूरी समझ नहीं आया, तो जब आपने क्लीन रखा है बोर्ड को तो क्लियर दिखेगा आपको। मेरे बोर्ड में रिपेयरिंग आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे हुई है, बिकॉज मेरी जो मेरा काम करने का स्टाइल है वो कंपनी सोल्डरिंग जैसा है, ठीक है। सो अगर जो आप सीखना चाहते हैं सोल्डरिंग के बारे में तो यहाँ पे मेरी चैनल की मेंबरशिप ले लें। सोल्डरिंग के बारे में बहुत सारी टेक्निक्स के वीडियो में भी बनाने वाला हूँ, जिसमें आप पता लगा पाएंगे कि मैं क्या क्या चीजें यूज करता हूँ सोल्डरिंग के लिए, कैसे यूज करता हूँ ताकि इतनी मक्खन जैसी सोल्डरिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सोल्डर किया, आपने देख लिया। अभी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे ओम्स क्या बता रहा है आफ्टर एडिंग दिस रेजिस्टेंस टू दैट एरिया। सो यहाँ पे बता रहा है 92 ओम्स के करीब बता रहा है ये दोनों पॉइंट के बीच में। आप देख रहे होंगे कि ये दोनों पॉइंट शॉर्ट है आपस में, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट पिन देखो शॉर्ट बता रहा है, ठीक है। तो इसे आपको लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी शॉर्ट है। हमने सिर्फ एक रजिस्टर लगाया जिसकी एक एंड आउटपुट पे है और एक एंड यहाँ पर फर्स्ट पिन, ये दोनों को शॉर्ट यहाँ पर 92 ओम्स से हमने किया है। रेजिस्टेंस हमने जो लगाया है वो 92 ओम्स का लगाया हुआ है। आप 100 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो यहाँ पे परफेक्ट वैल्यू बनेगी। हमारे पास नहीं था 100 ओम्स तो हमने यहाँ पे 92 ओम्स लगाया हुआ है। सो अभी हम चेक कर लेते हैं पावर सप्लाई का आउटपुट, अगर जो हमें लगता है कि सही है तो हम फिर बाद में इसे पूरी तरह से टीवी के ऊपर लगा के चेक करेंगे क्या ये हमारा जो टीवी है एक टाइम लिंक से बाहर आता है या नहीं आता। यहाँ पे 12.14 वोल्ट हो गए जो कि 11 पॉइंट कुछ वोल्टेज थे, हमने इसे ठीक कर दिया, 12 वोल्ट बन गए पूरी तरह से। अब 24 वोल्ट चेक कर लेते हैं क्या 24 वोल्ट की प्रेजेंस यहाँ पे, 24 वोल्ट पूरे बन रहे हैं यहाँ पे। अब हम इस पावर सप्लाई को कनेक्ट करके देखेंगे
मदरबोर्ड के साथ, और वो जो हमारा प्रॉब्लम था 8 टाइम ब्लिंक का, वो सॉल्व हुआ है या नहीं देखेंगे। लिखा है 201 का मतलब 200 ओम्स होता है। अब हम सभी वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम 12 वोल्ट जो कि हमारे कमजोर के 9-10 के आसपास वोल्ट बता रहा था, क्या वो वोल्टेज यहां पे आ गए? तो ये है 11.8 वोल्ट और ये स्थिर है, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं क्या 24 वोल्ट यहां पे प्रेजेंट है। 23.6 वोल्ट बता रहा है, ठीक है, जो कि 20 वोल्ट और 19 वोल्ट के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था जब पावर सप्लाई में ये जो प्रीसेट जो हमने बदला है उससे पहले। सो यहां पे बता रहा है 23.65 वोल्ट। बैकलाइट जल चुकी है, यहां पर छोटे छेदों के थ्रू दिख सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर बैकलाइट चल रही है। अब हम देख लेते हैं क्या ये टीवी हमारा स्टार्ट हो गया, इसमें तो प्रॉब्लम थी।